नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉरिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से काफ़ी अच्छी खबर आई है। दो नोटिस उन्होंने जारी किए हैं। ये साइट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या नोटिफिकेशन है ये। ये देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट का सेक्शन है टॉप में, यहाँ पर है दोस्तों फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ LDC। तो LDC के लिए फाइनल रिजल्ट आ चुका है, अभी ये डाउनलोड हो गया, इसको चेक कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है ये फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ LDC। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है दोस्तों, रिटन एग्जाम इसका हो चुका है, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो चुकी है और इंटरव्यू इसका हो चुका है। ये रिजल्ट है बिल्कुल फाइनल। तो टोटल मिला के 109 पोस्ट थी। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज इन्होंने पूरी डिटेल इसके अंदर मेंशन कर रखी है। 109 पोस्ट थी दोस्तों, जनरल की 20 पोस्ट थी इसमें और 146 पे जो है इसका कट लगा था। इसी तरह ये जनरल की वेटिंग है यहाँ पे, और नेक्स्ट जो है SC BC वेटिंग, SC की वेटिंग है, BC A की जो कैटेगरी है 140 पे कट लगा था। इसी तरह BC B की 11 पोस्ट हैं, उसमें 142 पे कट लगा है, BC B की है दोस्तों। तो ये कंप्लीट रिजल्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, यानी कि LDC के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया एडॉप्ट किया था वो ये है फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया। ये देखिए, यहाँ पे 200 मार्क्स का था ये एग्ज़ाम टोटल, जिसमें रिटन एग्ज़ाम 160 नंबर का था, वाइवा 24 नंबर का था दोस्तों, और एक्सपीरियंस के 16 मार्क्स थे। तो टोटल मिला के 200 नंबर का ये फाइनल एग्ज़ाम था इसके अंदर। अब कुछ एक रिजल्ट जो है विदहेल्ड कर दिए गए हैं कोर्ट की सीध की वजह से। ये है तो यहाँ पे जो कि विदहेल्ड किया गया है, ये रोल नंबर मेंशन है जो विदहेल्ड है यहाँ पे, और एक पोस्ट जो है BC A की कैटेगरी के लिए, और EBPG की जो 13 पोस्ट हैं उनको भी विदहेल्ड किया गया है दोस्तों। तो ये कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन LDC की तरफ से। एक नोटिस और आया है, वो भी अभी चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या मेंशन है। दूसरा नोटिस है दोस्तों, ये यहाँ पे है, रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड नोटिस टू कैंडिडेट्स फॉर द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ JEE इलेक्ट्रिकल के लिए है ये। तो इसके अंदर क्या है वो मेंशन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सारा। ये डाउनलोड हो चुका है JEE के रिगार्डिंग। ये देखिए दोस्तों, इनका रिटन एग्जाम हुआ था JEE के लिए इलेक्ट्रिकल, JEE इलेक्ट्रिकल के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 29/4/2019 को। अब जिनका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ था उनको स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया गया है। तो ये रोल नंबर मेंशन है नीचे, कुल मिला के 49 पोस्ट हैं दोस्तों, इन्हीं रोल नंबर को बुलाया गया है। और पैराग्राफ लास्ट में मेंशन है कि कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है जाके। यहाँ पे ये देखिए, 11 जून को इनको बुलाया गया है, सुबह 9 बजे कमीशन के ऑफिस में सेक्टर 2 पंचकुला में रिपोर्ट करना है दोस्तों। और साथ में जो है सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी साथ लेके जानी है, और इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको डाउनलोड करके भी साथ में लेके जाना है। अलग से किसी भी कैंडिडेट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये थे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ाई फॉर यू चैनल के ऊपर डेली 1 से 2 वीडियो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।